हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल रानी गुप्ता की किचन। तो चलिए आज हम नई रेसिपी लेके आ चुके हैं। ये आम का चटनी बनाए हैं। नया सीजन है तो आम मिल रहा है, तो हम आम का चटनी बनाए हैं। छोटे छोटे आम लाए हैं हम और आम का चटनी बनाए हैं। तो चलिए हम इस आम की चटनी को कितना सुंदर सजा कर दिखाए हैं, आप देखिए। तो चलिए हम इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा। तो देखिए, हमने लिया 3 ठो आम लिया है, लहसुन लिया, थोड़ा सा पुदीना लिया है, 1 फुट लहसुन लिया, सूखा मिर्च लिया है, सूखी लाल मिर्च लिया है हमने। तो चलिए हम पहले आम को छील कर काट कर बारीक बारीक रख लेंगे। पहले इसको हम छील लेंगे और इसको हमने आधा घंटा पानी में भिगो कर रखा था, क्योंकि ये छोटा सा आम है। फिर गर्मियों का सीजन में आम तो बहुत थोड़ा खाने से छोटा छोटा तकलीफ होता है, इसीलिए हम इसको पानी में आधा घंटा तक फुला कर रखते हैं। देखिए, हमने लहसुन पहले डाल लिया, आम को ही पतला पतला हमने काट लिया। लहसुन का पोट 1 पोट डाला है। देखिए, हमने आम काट लिया, आम भी डालेंगे इसको मिक्सी जार में पीसने के लिए। चलिए, हमने सभी आम को डाल लिया है इसमें। अब इसमें हम पुदीना का थोड़ा सा, हमारा पुदीना का पत्ता बचा था, थोड़ा सा ही हमने डाला है। आप हो तो डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं। तो देखिए, हमने सूखी लाल मिर्च डाल लिया है, ये 8-9 के करीब हमने डाला है। इसमें हम नमक ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार, आप नमक डाल सकते हैं, हल्की सी आप चीनी भी डाल सकते हैं डालना चाहते हैं तो।